ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, एक के बाद एक रेसलमेनिया 34 से जुड़ी काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, और इस बार जो अपडेट आई है वो शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रहने वाली है। तो जैसे कि हमने आज इस स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में मैच देखा जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच, और इस मैच में स्टिपुलेशन लगी थी कि अगर जॉन सीना इस मैच को जीत जाते हैं तो उन्हें डाल दिया जाएगा फास्ट लेन के मैच में। और अब वो मैच बन चुका है सिक्स मैच चैलेंज, जहाँ पर एजे स्टाइल्स अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। लेकिन एक बार आपको फिर से बता दूँ कि जॉन सीना को कोई भी चांस नहीं है WWE चैंपियन बनने का। उसके बीच में आपको रीजन भी बताता हूं, क्योंकि WWE फैंस रेसलमेनिया 34 में देखना चाहते हैं AJ स्टाइल्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। वो कोई ट्रिपल थ्रेट मैच, कोई फाइटल फोर में नहीं चाहते, वो चाहते हैं सिर्फ वन ऑन वन मैच। तो ऐसे में जॉन सीना को अगर WWE चैंपियन बना दिया जाएगा तो मेरे हिसाब से फैंस की तरफ से उन्हें अच्छा रिएक्शन भी नहीं मिलेगा, और शायद इससे अच्छा भी WWE जॉन सीना के लिए प्लान कर सकती है। तो इस बार जो रूमर्ड अपोनेंट उनके सामने आया वो है 619 रे मिस्टीरियो। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको लग रहा होगा वो तो NJPW में फाइट करने वाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेसलमेनिया 34 में फाइट लड़ने नहीं आ सकते। तो सबसे पहले रिपोर्ट्स ये आ रही है रे मिस्टीरियो के बारे में कि वो आज से स्मैकडाउन लाइव के बैक स्टेज, मतलब जो आज टीवी टेपिंग्स थी उस दौरान वो बैक स्टेज थे, और वहाँ पर वो इसलिए थे क्योंकि वो डिस्कस करने आए थे रेसलमेनिया 34 में उनका कोई अपोनेंट, और वहाँ पर रूमर्ड अपोनेंट है सी नेशन लीडर जॉन सीना। इसके अलावा स्मैकडाउन लाइव का लाइव इवेंट भी अटेंड किया था रे मिस्टीरियो ने, जो कि बात पता चली थी इस फोटो के साथ। तो ऐसे में हमें ये बात तो पूरी तरह से क्लियर होती है कि रे मिस्टीरियो फिलहाल WWE के साथ टच में है, और इवन कुछ टाइम पहले इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि उनकी WWE के साथ अब भी बातें पूरी तरह से चल रही हैं। तो ऐसे में हम देख रहे थे कि WWE लगातार अपने YouTube अकाउंट पर रे मिस्टीरियो के बारे में कुछ ना कुछ वीडियोज अपलोड कर रही थी, कभी AJ स्टाइल्स, कभी रे मिस्टीरियो या फिर उनका कोई पुराने मैचेस। ऐसे में कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि यार रे मिस्टीरियो तो चले गए NJPW के अंदर, फिर आखिर क्यों WWE ऐसा कर रही है। तो शायद हो सकता है कि WWE ने किसी तरह से रे मिस्टीरियो को अभी भी मना लिया हो, लेकिन ये क्लियर नहीं हो कि रे मिस्टीरियो का अपोनेंट कौन होगा रेसलमेनिया 34 में। लेकिन अब बातें ये हो रही उनके बीच में कि उनका मैच होगा जॉन सीना के साथ एट रेसलमेनिया, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। एक बात और सामने आ रही है कि WWE यहां पर पहले प्लान कर रही है रेसलमेनिया में जॉन सीना वर्सेस रे मिस्टीरियो, और अगर किसी तरह से मैच नहीं हो पाता तो WWE ने अपना बैकअप प्लान रखा है जॉन सीना वर्सेस द अंडरटेकर। और शायद इसीलिए रॉक एपिसोड में जॉन सीना ने ऐसा कहा था कि अंडरटेकर को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, मैच चाहता हूं, लेकिन वो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अभी आपको बता दें कोई शुरुआती अपडेट से कुछ भी चीजें कंफर्म नहीं है, लेकिन हां, जैसे इस बार में कोई आगे अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको चैनल पर जरूर दे दूंगा। तो गाइस, बस आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना आप जॉन सीना वर्सेस रे मिस्टीरियो देखना चाहेंगे या फिर आप देखना चाहेंगे जॉन सीना वर्सेस दी अंडरटेकर। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।